नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्रेशर्स काम में। जैसा कि आपको पता है, आज की जो हमारी जॉब की अपडेट होने वाली है वो गवर्नमेंट जॉब की अपडेट होने वाली है। जी हाँ, ये जो रिक्रूटमेंट है ये पावर ग्रिड में होने वाली रिक्रूटमेंट है। इसकी जो पोजीशनिंग है ये फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर की होने वाली है। इसमें जो कोई भी इंटरेस्टेड है हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट साथ ही इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर अभी हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए और जितना हो सके शेयर करते रहिए। तो जैसा मैंने आप सबको बताया कि पावर ग्रिड की तरफ से जो ये रिक्रूटमेंट 2021 का आया हुआ है ये फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर की तरफ से आया हुआ है। इसकी जो पोजीशनिंग है ये अप्रेंटाइज की होने वाली है, जिसकी अक्रॉस द इंडिया में हायरिंग होने वाली है। इससे जुड़ी जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ मेंशन किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो जॉब रोल है ये फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर का है। इसमें जो एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन है वो बीई, बीटेक, बीएससी और डिप्लोमा के जो ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप इसमें जरूर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जो सैलरी होने वाली है आपकी वो 23,000 से 1,20,000 के बीच में होने वाली है। इसलिए आप लोग सब इसमें जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा और इसे मिस मत कीजिएगा। इसकी लोकेशन अक्रॉस द इंडिया में होगी और लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 अगस्त 2021 है। जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। साथ ही जो इसकी डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि मैंने बताया जो कि फील्ड इंजीनियर के लिए, फील्ड वर्क के लिए, उसमें आपका इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, जो कि बीडी, बीटेक, बीएससी, इंजीनियरिंग, बीई पावर इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ आपके 55% से ज्यादा के एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी आप कैटेगरी के हो, आपके 55% से ज्यादा के नंबर जरूर से होने चाहिए। इसके अलावा जो फील्ड इंजीनियर की पोजीशन है सिविल के लिए, उसमें बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, बीई पावर इंजीनियरिंग, उसमें आपको सिविल डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें भी आपके 55% से ज्यादा के ही मार्क्स होने चाहिए, किसी भी आप कैटेगरी के हों। साथ ही साथ अगर आप फील्ड सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, जिसमें आपका फुल टाइम 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर टेक्निकल बोर्ड के साथ 55% से ज्यादा के आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और इसमें भी कोई भी कैटेगरी का यहाँ पे पर्सन अप्लाई कर सकता है। फील्ड जो सुपरवाइजर की पोस्ट है सिविल, उसके लिए भी 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका कम्प्लीट होना चाहिए 55% से अबव के नंबर के साथ। अब इसके अलावा जो एज लिमिट है इसमें अप्लाई करने की वो 29 इयर्स की एज लिमिट है। साथ ही साथ जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 48, फील्ड इंजीनियर सिविल में 17, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में 50, फील्ड सुपरवाइजर सिविल में 22। तो काफी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट है, आप लोग सब इसमें जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। ये गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। साथ ही इसकी जो सैलरी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फील्ड इंजीनियर है उसकी 30,000 से लेके 1,20,000 के बीच में होने वाली है, और जो फील्ड सुपरवाइजर है उसकी 23,000 से लेके 1,05,000 के बीच में होने वाली है। अब इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए आपको सबसे पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी एलिजिबिलिटी और शॉर्ट लिस्टिंग है वो उसके बेसिस पे होगी। उसके बाद आपका मैनेजमेंट और आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स है उसको आपको मैच करना पड़ेगा। साथ ही जो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाली है, अगर कंडक्टेड हुई तो, उसमें आपको एलिमिनेशन पर्पस के बेसिस पे होगी। उस स्क्रीनिंग टेस्ट में आप लोग एलिमिनेट होने वाले हैं अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इसके अलावा आपका टेक्निकल नॉलेज टेस्ट के थ्रू लिया जाएगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं इंजीनियरिंग सिलेबस के बेस्ड के। एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे 25, साथ ही रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, डेटा साइंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनसे बेस्ड आपके 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और जो 25 क्वेश्चंस है वो आपके इंजीनियरिंग सिलेबस के बेस होंगे। इसके अलावा जो सारे क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू टाइप में होने वाले हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसका वेटेज 1 मार्क्स होगा ईच। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप तो सब जरूर से अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके अलावा जो फील्ड सुपरवाइजर के लिए हायरिंग होने वाली है उसके सिलेक्शन में आपको बेसिक स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको फुलफिल करना है। आपका एक्सपीरियंस का प्रोफाइल, साथ ही आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपको क्लियर कर देनी है। उसके बाद आप इस टेस्ट के लिए डायरेक्टली हायर हो सकती है। फील्ड सुपरवाइजर के लिए कोई भी रिटर्न टेस्ट वगैरह नहीं होने वाला है, इसमें डायरेक्टली आपकी स्क्रीनिंग होगी। उसके अलावा जो टेस्ट है वो आपका 1 आर का होने वाला है, जो फील्ड इंजीनियर के लिए होने वाला है। जो सिलेक्शन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो टेक्निकल नॉलेज टेस्ट है वो 50 क्वेश्चन का होगा। डिप्लोमा सब्जेक्ट के लिए भी रेलिवेंट जिन्होंने किया हुआ है डिसिप्लिन में, उनके लिए भी सेम वही क्वेश्चन पेपर होने वाला है। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे आपके। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, डेटा सफिशियंसी और न्यूमेरिकल एबिलिटी से।
अब इसमें अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल उसकी 400 रुपीज है और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सिविल उसकी 300 रुपीज है। आप लोग एप्लीकेशन जब फिल करेंगे उस वक्त आप लोग इस रकम को अपने पास जरूर से साथ में रखिएगा। अब इसमें जो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ लिंक दिया हुआ है टू अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप इसके डायरेक्टली एप्लीकेशन में फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट इसमें ध्यान रखने की है वो आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का वो 13 विथ आपका जो एप्लीकेशन फीस के साथ है वो 30/8/2021 है। उसके अलावा जो आपकी क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्मेशन की वो 27/8/2027 है। तो आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है आपको 27 अगस्त से पहले यहाँ पे सबमिट कर देना है ऑनलाइन, इसलिए आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा इसको। साथ ही जो इसकी कट ऑफ डेट होने वाली है वो 27/8/2021 होने वाली है, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो इंटरव्यू की और स्क्रीनिंग की डेट है उसको आपको नोटिफिकेशन आपके ईमेल के थ्रू जरूर से मिल जाएगा, साथ ही उनकी वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद यहाँ पे जरूर से चेक करते रहिएगा। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको ये बताया कि आपको यहाँ लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, यहाँ पे आप इसके लिए जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से ये वेबसाइट होने वाली है अप्लाई करने के लिए। इस वेबसाइट में भी आपको वो सारे डिटेल्स मेंशन किए गए हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है सारा नोटिफिकेशन, आप इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ से जरूर से अप्लाई कर। इसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ ये आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, पर्सनल और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनी। इसके अलावा आपको यहाँ पे इससे अलग भी जो जॉब की रिक्रूटमेंट आती है उसको रिलेटेड भी यहाँ पे सारी जानकारियां दी हुई है, तो अगर आप उनमें इंटरेस्टेड होंगे तो भी आप यहाँ से डायरेक्टली जाके उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।